हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से सांभर बनाते हैं। और डोसा क्रंची, इसकी रेसिपी मैंने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है। अपने सांभर की तैयारी करते हैं। देखिए, हमने जीरा और मेथी, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च लिया है छौंकने के लिए। ये हमने लौकी, कद्दू और आलू, इनको हमने महीन महीन कट कर लिया है। ये देखिए, अब एक कुकर में हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है और इसमें जीरा, मेथी और करी पत्ता का छौंका लगा देंगे। प्याज डाल देंगे। जब हमारा प्याज थोड़ा हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। देखिए, हमारा प्याज हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। आलू डाल दिया, अब इसमें हमने कद्दू ऐड कर दिया और ये हमारी लौकी इसमें ऐड कर दी हमने। हमें चला लेना है अच्छे से, हल्का सा भून लेना है हमें इसे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल देना है। अब हम ये मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैंने रेड चिली ली है, हल्दी है, गरम मसाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है और थोड़ा सा सांभर मसाला है। हम इसको थोड़ा भून लेंगे। नमक हमने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाला है, इस सब्जी के अकॉर्डिंग ही डाला है हमने, क्योंकि अभी हम जब दाल बनाएंगे तो उसमें भी हमारा नमक होगा। इसको 5 मिनट इसी तरह भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल करके इसमें 4 सीटियाँ ले लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सांभर मसाला और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है 1/2 कप इसमें, जिससे हमारा मसाला जले नहीं। क्योंकि सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें करीब 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। देखिए, हमारी सब्जी में उबाल आ गया है, अब हम इसको बंद कर देंगे और 4 सीटियाँ ले लेंगे। क्योंकि हम घोटने वाला सांभर बना रहे हैं, इसलिए हम सब्जियों को अच्छे से गला लेंगे इसमें। जब तक हमारी सब्जियाँ रेडी हो रही हैं, तब तक ये देखिए, मैंने 1 कप दाल को सोक कर दिया था 1 घंटा के लिए। अब हम इसको पका लेंगे। इसको अच्छे से धो लिया है और इसे ऐड कर लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 चम्मच देसी घी। अब हम इसमें 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से गल जाए और 4 सीटियाँ देंगे और दाल को हमें अच्छे से गला लेना है। हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बर्तन में दूसरे बड़े बर्तन में निकाल लिया है इसको। अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। एक बार आप इस टाइप से बना के देखिएगा, बच्चे पूरा सांभर चट कर देंगे और आप कितना ही बनाएंगी एकदम बचेगा नहीं, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, हमने मैश कर दिया है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, थोड़ा सा खड़ा है और बाकी कर दिया। अब हम इसमें बनी हुई अपनी दाल ऐड कर देंगे। हमारी अच्छे से गल गई है, हमें अच्छे से चला लेना है। चाहे तो इसे मथानी से भी फेंक सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको फेंक दिया है, अब एकदम एक साथ हो गई है। अब हमें इसको इसमें ऐड कर देना है, जो हमारी वेजीज थी इसमें पूरा ऐड कर देना है। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, 2 चम्मच सांभर मसाला लेना है, इसमें थोड़ा सा ऐड करके इसको फेंक लेना है। तो मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें लम्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे। आप चाहें तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के लिए हम इसमें बाद में मिलाएंगे, तो इसलिए खौला हुआ पानी भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसे अपने बैटर में डाल देंगे। इसमें चला लेना है, मिक्स करना है इसको, और बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें इमली का पल्प डालना है, और अगर आप और खट्टा पसंद करते हैं थोड़ा और भी डाल सकते हैं। इसमें आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो डाल सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट तक खौलाएँगे। देखिए, हमारा अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसको बंद कर देंगे और हम अब इसका छौंका तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, अब हम इसमें सरसों के दाने और करी पत्ता डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च और 1 चिली पाउडर। ये देखिए, हमारा चटकने लगा है अच्छे से, और हमें इसको काला नहीं होने देना है। हम इसका तड़का लगा देंगे। वाओ, कितना यमी है। देखिए, अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और ये हमारा सांभर रेडी हो गया। बिलीव मी, ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। ये देखिए, मैंने इतना ढेर सारा, करीब 5 लीटर का मेरा ये भगोना है और पूरा फुल है, और ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा शाम तक। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि कैसा बना है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है।